छिंदवाड़ा के एक ग्राम पंचायत में सरपंच पति ने सभा कक्ष को सीमेंट बोरी का गोदाम बना दिया है। जिस सभा कक्ष में ग्रामीणों की समस्या सुनी जानी चाहिए, वहां सीमेंट की बोरियां और गंदगी का भंडार लगा हुआ है। छिंदवाड़ा में परासिया विधानसभा के बेलगांव ग्राम पंचायत की सभा कक्ष को सरपंच पति द्वारा गोदाम बना दिया गया है। जिस सभा कक्ष में ग्रामीणों की समस्या सुनी जानी चाहिए, वहाँ अब सीमेंट की बोरियां रखी जा रही है। सभा कक्ष में गंदगी का भंडार लगा हुआ है। यहाँ ना तो सरपंच के बैठने की जगह है, ना ही सचिव के बैठने की। हर जगह बोरियां नजर आती हैं। इस बारे में सरपंच पति से बात की गई तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। सरपंच पति का कहना है कि यहाँ कार्य चल रहा है तो बोरियां कहाँ रखेंगे। अब सवाल यह है कि अगर सभा कक्ष में सीमेंट की बोरियां रखने के लिए है तो फिर ग्रामीणों की समस्या सुनने और कार्य करने की जगह कौन सी है। खैर, हम आपको सुनाते हैं सरपंच की दलील। पंचायत में रखना पड़ेगा, हाँ यही साइड में काम चल रहा है तो किसी दूसरे घर में रखने ना जाएंगे। अपने घर में रखेंगे तो भी तकलीफ है, लेकिन अभी ये आपके वहाँ सचिव अभी घर पे ही हमने और ताला लटका हुआ है यहाँ पर। नहीं, ये बार बार शिकायत आती है ग्रामीण, शिकायत आता है लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है, काम चल रहा है इसलिए कभी कभी लेट हो जाता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।